हेलो एवरीवन, ये है हमारा कॉलेज का मेन बिल्डिंग और सुबह सुबह इतनी ठंड में हम लोग यहाँ जमा हो चुके हैं जगह जगह पर कैंपिंग में जाने के लिए और वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट करने के लिए। और ये हमारे कुछ बैचमेट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, शायद इसलिए कि वीडियो में आ रहे हैं। अरे नहीं भाई, हम लोग सभी इसलिए खुश और बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमारे ये प्रोफेशन में हम पहली बार कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हम लोग जा रहे हैं एनएमओ कैंप के लिए। कैसा लग रहा है? डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है? पहली बार डॉक्टर वाली फीलिंग आने वाली। फीलिंग एक्साइटेड लग रहे हो? बहुत एक्साइटेड है। आज सीनियर्स लोगों से इंटरेक्शन करने का बहुत अच्छा मौका मिला। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये हमारी लोग की मैम जा रही थी। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that it तो हम चार चार के ग्रुप में बढ़ चुके हैं और कई सारे गांव के अलग अलग लोकेशंस पे जाकर हमें फ्री ट्रीटमेंट देना है। तो हर ग्रुप में हमारे एक डॉक्टर सर होंगे और दो बॉस और एक मैम होंगे और एक हमारे बैच से होगा। हमारे बैच से कुल 10 लोगों को सिलेक्ट किया गया है जो एक एक ग्रुप में ऐड होते जाएंगे। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. हम लोग अभी पहुंच चुके हैं जिस गांव में हमारी कैंप लगना है और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रूरल एरिया है, बिल्कुल देहात है और हमें यहाँ फ्री में ट्रीटमेंट देना है। अभी बॉस और मैम को पता बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लॉगिंग चल रहा है उनका। बॉस मैम थोड़ा हेलो कर दीजिएगा। तो ये है वो पॉइंट जहाँ पे हमें बैठ कर पेशेंट लोगों से इंटरेक्ट करना है, उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। कमर में दर्द है? और कमर में दर्द अभी 10 रोज से है। फाइनली बहुत सारे पेशेंट से डील करने के बाद हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे, बहुत लोगों ने यहाँ पे आकर अपना इलाज किया। अच्छा लगा हमें, पहला बार वो डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही थी और बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ इससे। हमारे साथ बहुत सारे कुछ सीनियर बॉस भी हैं, मैम भी हैं, हमारे पीजी के सर भी हैं। हाय हाय। Yeah.
तो हमारे साथ अभी मैम है एक, उनसे पूछते हैं उनका कैंप कैसा रहा, मतलब कैसा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सारे पेशेंट थे, अच्छा लगा। मैम मतलब ये पहला बार था आपका या फिर पहले भी ऐसे कैंप में आ चुके हैं? पहला ही था। कैसा लगा? आप दवाई प्रिस्क्राइब कर रही थी खुद से, पेशेंट आपके सामने मतलब आ रहे थे, आप उनको डील कर रही थी, डॉक्टर वाली फीलिंग। डॉक्टर बनने जा रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि हम लोग मतलब वो डॉक्टर जितना मेहनत किए वो सब उसके लिए आज वो मतलब सब कुछ दिख रहा है। हाँ, पर अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बट ये अच्छा था, फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा था। थैंक यू मैम। तो हमारे ये सारे सीनियर बॉस मैम और हमारे एक सर भी हैं डॉक्टर सर, तो उनसे भी बात करते हैं कैसा लगा आपको सर। काफ़ी अच्छा कैंप रहा है यहाँ पे, इन लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हम लोगों को। आपको बॉस बहुत अच्छा फर्स्ट कैंप में आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम लोग एंजॉय किए, सही लगा, बढ़िया। मतलब गांव वालों को हेल्प करने का, हाँ गांव करने का हेल्प करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। कैंप में मैं थोड़ा सा मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया, पहली बार तो किसी पेशेंट के सामने से सब चीज़ ट्रीट किया, डॉक्टर वाली फील आई, फुल डॉक्टर वाली फील आई, बहुत अच्छा लगा। सब लोग हाई कर, मतलब हमारे आने वाले जूनियर्स को मतलब बेस्ट विशेस दे देंगे, ऐसा चीज़ वो फील कर सकें। उम्मीद सब कोई भी आएगा नेक्स्ट आना चाहे तो आ सकते हैं, बहुत अच्छा फील होगा। तो बस इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या मिल सकता है आप लोगों को? मोटिवेशन के लिए कुछ बोलेंगे नहीं हम, कितना अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील हो रहा था आज, मतलब डॉक्टर वाली पूरी फीलिंग आ रही थी। तो अब हमारा कैंप ओवर हो गया और हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा।